दुहाई हो सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले महिला सुरक्षा को अपनी अहम जिम्मेदारी बताया था। वादा किया गया था कि उत्तर प्रदेश की बेटियों के ऊपर कोई नजर उठाकर नहीं देख सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने योगी आदित्यनाथ के दावों की हवा निकाल दी। आज तक आपने कानपुर पुलिस के कई कांडों के बारे में सुना होगा, आज कारनामों के बारे में सुन लीजिए और सोचिए कि इस तरीके की घटिया काम को अंजाम देने के बाद कानपुर पुलिस के अधिकारी कैसे वर्दी पहनकर आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, कैसे अपनी माँ, पत्नी, बहन, बेटी के सामने आंखों में आंखें डालकर बात कर लेते हैं। लाज नहीं आती जब उनकी खुद की बेटी दौड़कर गले से लिपट जाती है तो उन्हें उस मासूम नाबालिग लड़की की याद नहीं आती जिसे तीन दरिंदों ने दो दिन तक एक कमरे में कैद करके रखा था। वो खून से लथपथ थी और उसकी एक एक सांसें बस पुलिस से मदद मांग रही थी, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। पुलिस की बेशर्मी और बेहयाई की कहानी शुरू होती है कानपुर के बर्रा इलाके से, जहां एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि 14 जनवरी को वो एक सहेली के पास से किताबें लेकर लौट रही थी। उसी वक्त वहीं का रहने वाला सिद्धार्थ अपने दोस्त प्रिंस और ऋषि के साथ मिलकर उसे उठा ले गया, जिसके बाद उसे कमरे में बंद कर दिया और बारी बारी से उसे नोचने लगे। वो चीखती रही लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। खून से उसका पूरा कपड़ा भीग गया लेकिन दरिंदे बस नोचते रहे। वहीं दूसरी तरफ जब लड़की घर नहीं पहुंची तो उसकी मां ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और कार्रवाई की बात कहकर लड़की की मां को चलता किया। उधर तीनों आरोपियों को समझ में आ गया था कि मामला पुलिस के पास चला गया है। डर के मारे तीनों आरोपियों ने लड़की को उठाया और फेंकने निकल गए, लेकिन लड़की का कपड़ा खून से भीगा हुआ था, इसीलिए पहले तो उन्होंने लड़की को नहलाया, फिर अपने कपड़े पहनाए और सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। किसी तरीके से लड़की को जब होश आया तो वो उठी और थाने पहुंची और यहीं से शुरू हुआ बेहयाई का खेल। लड़की का आरोप है कि मदद की बजाय पुलिस अफसरों ने उसे ही डराना धमकाना शुरू किया, तो कहा कि घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। इसके बाद पुलिस ने लड़की को घर भेज दिया। लड़की ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी अपनी माँ को दी, जिसके बाद लड़की की माँ ने थाने पहुंचकर दबाव बनाया तो वहाँ बैठे अफसरों ने हाथ से FIR की कॉपी पर धारा 376 और पॉस्को एक्ट लिखकर पीड़ित और उसकी माँ को भगा दिया। लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और बयान दर्ज करने के लिए पीड़ित के घर समन आया तो पता चला कि FIR में गैंगरेप का कोई जिक्र ही नहीं है और तीनों आरोपियों को 254 के मामले छेड़छाड़ की धाराओं में जेल भेज दिया गया है। लेकिन कहते हैं ना कि यूपी की बेटी शेरनी से कम नहीं होती। पीड़िता ने इंस्टाग्राम से तीनों आरोपियों की फोटो निकाली और चीख चीख कर इंसाफ मांग रही है और कह रही है कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरा नार्को टेस्ट करवा लो। हम अपने घर से अपनी फ्रेंड के घर गए थे 14 तारीख को, वहाँ पे पढ़ने के लिए गए थे। वहाँ से पढ़ के रात में आ रहे थे अपने घर। चार लड़के आए गाड़ी से, सफ़ेद कलर की कार से, जबरदस्ती उठा के ले गए किसी जगह पर, सुनसान जगह पर ले गए। वहाँ पे दुष्कर्म कार किया, और भी लोग वहाँ पे आए थे, वो भी गलत काम कर रहे थे, वीडियो भी बनाया था मेरा, मार भी रहे थे, नशे में थे सब, मार आ रहे थे, बाल आल भी नोचा था और जबरदस्ती कर रहे थे। दो दिन तक ये करते रहे। जब उनको पता चला कि मेरी मम्मी ने थाने में रिपोर्ट कर दी है तो कहने लगे इनको मार दो, तो एक ने कहा मारो मत वरना लंबा केस हो जाएगा। तो फिर ये लोग उनको नहला हिला के अपने कपड़े पहना के रोड पे छोड़ के भाग गए। फिर जब उसके बाद गए तो पुलिस तक कैसे पहुंची? हमने एक दुकान से अपना फ़ोन चार्ज कराया, जैसे ही फ़ोन ऑन किया वैसे पुलिस आ गई। तो पुलिस हमको लेके आ गई थाने में, हमने उनको सब कुछ बताया जो मेरे साथ हुआ, तो कहने लगी ये सब मत बताओ, तुम गरीब हो, कुछ नहीं कर पाओगे उन लड़कों का, वो सब बहुत अमीर हैं और बड़ी जाति के भी हैं। हमने सब बताया उनको पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, कहने लगे कह देना कि पुल के नीचे खिचड़ी खा रहे थे दो दिन तक। उनको सब कुछ बताया, फिर हम अपनी मम्मी के साथ घर चले गए। घर में जाके अपनी मम्मी को सब बताया। मम्मी फिर दोबारा थाने लेके आई तो उन्होंने गुमशुदगी की FIR में सब कुछ लिख के दे दिया, कहते हैं तुम्हारी कार्रवाई हो रही है जाओ। तो पुलिस ने कैसे लिख दिया, हाथ से लिख दिया? हाँ हाथ से लिख दिया, ब्लू पेन से, सब अपने हाथ से ही लिखा था, सब उन्होंने इंस्टाग्राम से निकाल लिया खुद। ये कौन कौन है लड़के? ये लड़के फोटो दिखाइए जरा, कौन कौन है, कौन और यही लोग हैं, कंफर्म है? हाँ, ये विकास राजपूत है। ये कहाँ रहता है? ये मेरे घर के थोड़ा सा पास में रहता है। और
और ये सिद्धार्थ है, मुझे पीछे गली में रहते हैं, और ये ऋषि पंडित है, ये भी वहीं रहते हैं, ये प्रिंस ठाकुर हैं, और बाकी इनको नहीं जानते हैं। ये कंफर्म है ये सारे लड़के हैं? हाँ कंफर्म है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो मेरा नार्को टेस्ट करवा लीजिए, सब पता चल जाएगा सच। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लड़की के आरोपों के बाद भी पुलिस ने गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया? अगर मुकदमा 376 में दर्ज हुआ था तो वो कैसे 254 में बदल गया? इस घटना के बाद पीड़िता का मेडिकल क्यों नहीं कराया गया? अगर कराया गया तो कितने घंटे के अंदर कराया गया? मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई या नहीं? लेकिन इन सब सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। जब इस घटना को लेकर हमने ADCP ब्रजेंद्र द्विवेदी से बात की तो वो तुरंत बैरिस्टर बन गए और जो क्लासिकल जवाब दिया कि क्या ही कहें। उन्होंने बताया कि एक लड़की और उसकी मां ने झगड़ा होने की शिकायत दर्ज की थी। घटना की जांच ACP बाबू पूर्वा कर रहे हैं। जब हमने उनसे सवाल पूछा कि हाथ से धारा 376 लिखने का क्या मतलब है तो जवाब मिला कि लड़की के बयान के आधार पर लिखा गया होगा। तो साहब अगर बयान के आधार पर लिखा गया तो फिर वही धारा 254 में कैसे तब्दील हो गई? लगता है आपको देखकर प्लास्टिक सर्जरी करवा ली होगी, है ना ADCP साहब? इनका एक लड़की की गुमशुदगी दर्ज थी और गुमशुदगी के बाद लड़की बरामद हुई, उसका 161-164 का बयान हुआ है। और इनका खुद का कहना था कि तीन लोग जो उसमें जेल गए हुए हैं, कुछ लोग उनको धमकी देते हैं कि इन पे मुकदमे वापस ले लिए जाएं, नहीं तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। इस संबंध में ACP जो है नौबस्ता को बताया गया है कि जांच करके जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, प्रिवेंटिव कार्रवाई करवाएंगे और किसी भी रूप में पीड़िता को धमकी न दी जाए। अगर जो हाथ से मुहर 376 उसमें लिख के दिया है, इसका मकसद क्या है? मकसद क्या है? मकसद ये होता है कि कोई भी लड़की जब गई है, नहीं गायब हो गई, तो 363 का मुकदमा लिखा जाता है। जब लड़की बरामद होती है तो अपने बयान में दर्ज कराती है, उसके बयान 164 जो होते हैं उसके हिसाब से धारा में वृद्धि की जाती है। कानपुर से रंजीत सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।